भाई क्या माई सवाल माई माई है आपने आपने। वा, वा, वा। पूछा है आपने वाह 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 ये आप माइक में पूछा सुनाई दिया इन्होंने क्या पूछा नहीं भाई प्लीज एक माइक इनके लिए खास तो हो गया, नहीं बट मैं चाहता हूँ वो लोग भी सुन वरना वो आधी बात सुनेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा कि हम इतना क्यों हंसे या हमने इतना क्यों रिएक्ट किया प्लीज प्लीज मैं चाहता हूँ अब सो दिशा जी आप मानती हैं कि राहुल एक ऐसे फ्लोर पर पहुंच चुके हैं जहां पर कि शादी के बाद बहुत ही रिस्पॉन्सिव हो गया जी हाँ वो ऐसे फ्लोर पर पहुंच गए हैं जहाँ वो बहुत हो गए हैं। रिस्पॉन्सिंग <laughs> दिशा कि इन आफ्टर वेडिंग। ने मेरे में क्या क्या अच्छे अच्छे बदलाव लाए हैं तो क्या आप बताना चाहेंगी सबको कि। आई uh, थिंक सबसे बड़ा बदलाव ये अब ये जल्दी सोते हैं थोड़ा <laughs> हाँ. <laughs> मेरे साथ जल्दी सोते हैं अदरवाइज ये पांच पांच बजे तक जागते थे अब अब हम लोग एक डेढ़ मैक्स दो हाँ। तक सो हैं। so, हम हम ऐसा माने कि आप दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छे लगने लगे हैं। क्या बात है भाई आप कहाँ से आए हैं <laughs> आपके सवाल आप कहाँ से पिरो के लाए हैं आप बहुत ही आ, अच्छे सवाल लाए हैं एंड हम एक दूसरे को बड़े अच्छे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल आपके सवाल भी बड़े अच्छे हैं और हम एक दूसरे को बड़े अच्छे लगते हैं

एक एक्टर के साथ में हमेशा ऐसा होता है आप पॉजिटिव नोट में लीजिए क्योंकि आ, जब एक, एक एक्टर की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है एंड ब्यूटीफुल वाइफ के साथ में शादी होती है तो कभी कभी हम देखते हैं कुछ एक ऐसे एक एक्टर होते हैं वो अपना फ्लोर ज़मीन से ज, मतलब अपने आप को वो भूल जाते हैं तो आपको अपने आप को फ्लोर पर बनाए रखने के लिए कितना मतलब मेनटेन रखते हैं आप अपने आप को एंड दिशा जी की कितनी हेल्प हेल्प लगती है कि आप आसमान में ना जाए ज़मीन से जुड़े रहें फ्लोर पर जुड़े रहें फिर फिर एक बार आपने कमाल का सवाल पूछा है आज आप कहाँ से मतलब ये सवाल चुन चुन के लाए हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो बट सबसे पहली बात तो uh, uh, मैं अभी भी सिंगर हूँ uh, लोग मुझे एक्टर uh, एक्टर कहते हैं आई वुड लव टू डू सम बट आई एम वेरी हैप्पी बींग अ सिंगर एंड मेरे म्यूजिक म्यूज़िकल्बम्स आते हैं जिसमें मैं एक्ट करता हूँ बट आई एव ने एक्टेड इन फिल्म और टी वी शो बट आपके सवाल का जवाब देते हुए यही कहना चाहूँगा कि जो जो इंसान एक लोअर मिडिल क्लास से ऊपर आया होता है ना उसको कभी भी मुझे नहीं लगता है वो आसमान में चला जाता है उसके पैर हमेशा जुड़े होते हैं क्योंकि वो आ, जो साइड को छोड़ के आया होता है ना उस भले ही वो आज दूसरे साइड होता हो बट जब वो गाड़ी में बैठ के बाहर देख रहा होता हो तो उसको बाहर की रियलिटी पता होती है पता होती। जैसे बाहर पे मैं आ राह चलते लोग देखता हूँ तो मैंने अब क्योंकि मैंने खुद वो बहुत किया यार कि सुबह जब हम कहीं रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे तो सुबह सुबह जल्दी निकल जाते थे हम एक बहुत वन रूम किचन में रहते थे तो अगर मुझे सात बजे कहीं पहुंचना होता तो तो हम दूर रहते थे तो वहां से जब हम निकल के जाया करते थे तो मैं सबको नहीं उठाता था, था कि यार सब उठेंगे नाश्ता मम्मी बनाएगी मेरे लिए तो सबको उठना पड़ेगा तो हम भूखे पेट ही चले जाते थे बहुत बार तो हम सब ने वो लाइफ में अपने अपने दिन देखे हुए हैं तो जिस इंसान ने ऐसे दिन देखे होते हैं आई डोंट थिंक कभी वो यू नो अपने पैर जो है वो ज़मीन से उसके उठ, उठ जाते हैं सो आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे हाउट हाउ आई नो टू लिव इन बी इन लाइफ एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू नो गॉट अ लाइफ पार्टनर हु इक्वली बिलीव्स इन डूइंग दैट शी इक्वली बिलीव्स इन वेरी ग्राउंडेड एंड जस्ट बीग वेरी वेरी नाइस टू एवरीबडी वेरी हम्बल टू एवरीबडी तो हमें बहुत खुशी है यू you नो know, कि हम ऐसा रह सकते हैं लोगों के साथ